काम जीवन में उत्तेजना का अभाव, यह एक साइकोलॉजिकल बीमारी है और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, मुंबई, पुणे, यहाँ हमारे हॉस्पिटल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में और रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। मैं सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ। इसमें काफ़ी सारे लोग फ़ोन से काउंसलिंग करते हैं, हमारी सलाह लेते हैं और अपना काम जीवन जो है वो बहुत खुशी का आनंद में कर लेते हैं। आज जो बताने वाला हूँ मैं, वो ये है कि काम जीवन में उत्तेजना का अभाव, यह पुरुषों में भी हो सकता है, पुरुषों में और महिलाओं में भी, स्त्री में भी हो सकता है। महिलाओं में होता क्या है कि योनि में जो लुब्रिकेशन होता है, मतलब ये वंगण बोलते ना, जैसा ऑयली हो जाता है, सेक्स के समय फूल जाता है योनि, और योनि फूल के उसमें उत्तेजना आती है, तो उत्तेजना स्त्री में आती नहीं है और वो काम जीवन के लिए, मतलब सेक्स के लिए तैयारी होती नहीं है, तो एक वो बीमारी हो सकती है। पुरुषों में, पुरुष वर्ग में, मतलब मेन में होता क्या है कि लिंग में, शिश्न में कठोरता आती नहीं, और जब ये बार बार होते रहता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये कठोरता नहीं आना या योनि में योनि का नहीं फूलना, या यदि कोई बीमारी से है, मानसिक बीमारी से, शारीरिक बीमारी से, या कोई दवा या ड्रग्स लेके है, तो हम समझ सकते हैं कि उसका इलाज करना जरूरी है, मतलब वो अलग फैक्टर हो गया। मगर ना शारीरिक बीमारी है, ना मानसिक बीमारी है, ना कोई एडिक्शन है, और उसके अलावा भी शिश्न में कठोरता नहीं आना या महिलाओं में योनि का नहीं फूलना या वहाँ लुब्रिकेशन नहीं होना, मतलब गीलापन जो आता है सेक्स के समय वो नहीं होना, यह बीमारी हो सकती है। कि बीमारी इसलिए कि इसके वजह से आपस में तनाव आ जाता है, पति पत्नी में संघर्ष हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, आपसी संबंध बहुत कठोर हो जाते हैं, मतलब उसमें मज़ा नहीं आता उनको लाइफ में, क्योंकि सेक्स की भूख पूरी होती नहीं। और काम वासना यह यदि वो पूरी नहीं हुई, उसकी भूख जो है वो पूरी नहीं हुई, तो उसका असर फिर हर जगह जीवन में पड़ता है। अब इसमें यह प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि वो पुरुष मतलब बाहर अच्छा कर सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ में अच्छा संबंध है, और पत्नी के साथ में संबंध नहीं है उसका, बराबर हो रहा है, ये हो सकता है। या जब सेक्स करना नहीं है तब उसमें शिश्न में कठोरता आ रही है, इसका मतलब वो साइकोलॉजिकल है कि जब करना नहीं तो कठोरता आ रही है, जब करना है तो कठोरता नहीं आ रही। पत्नी के साथ में कठोरता नहीं आ रही है, बाहर कठोरता आ रही है कोई भी किसी के साथ में, या कोई विशिष्ट संबंधों में, मतलब कोई विशिष्ट संबंध है या विशिष्ट समय है वहाँ उसकी कठोरता आ रही है, ऐसा मॉर्निंग उसकी कठोरता आ रही है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर वो हो सकता है कि इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यूजुअली जवानी में, मतलब यंग जब है 35 के नीचे और 35 उम्र के नीचे यदि ये प्रॉब्लम है, तो समझ जाना कि यह प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक है, शारीरिक नहीं है। उसमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वातावरण मतलब परिस्थिति की वजह से कठोरता नहीं आ रही है, या मनस्थिति ठीक नहीं है उसकी वजह से कठोरता नहीं आ रही है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा कि भाई अच्छा वातावरण हो, पति पत्नी में संघर्ष ना हो, अप्रोप्रिएट पार्टनर, अप्रोप्रिएट कंडीशंस है ना, और वातावरण अच्छा है, दिमाग के ऊपर तान तनाव नहीं है, तो फिर अच्छा है, फिर उसका बराबर सब हो जाएगा। और यदि संघर्ष है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, उसमें उसका जो बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम है, या आपसी संबंध खराब है, या उसको कोई मानसिक बीमारी है, तो फिर वो देखना जरूरी हो जाता है। हो सकता है कि यह व्यक्ति जो पुरुष है, इसने कभी उसका संबंध ही आया नहीं ज़िंदगी में, मतलब वो सक्सेसफुली वो कभी सफल हुआ ही नहीं स्त्री के साथ में, ऐसा हो सकता है कि पहले से कभी हुआ नहीं, और वो हो सकता है 1% पॉपुलेशन में कि जिसमें कठोरता आई नहीं और उनका कांटेक्ट ही नहीं हुआ। मगर मैक्सिमम ऐसा हो जाता है कि कठोरता आई, इरेक्शन आता है, मगर कुछ हाँ, और कुछ समय तक वो बराबर कर भी सकता है, और बाद में जो है कठोरता गायब हो जाती और बाद में प्रॉब्लम आता, तो वो देखना पड़ेगा कि बाद में प्रॉब्लम क्यों आया, पहले तो अच्छा था और अभी नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों।
बाद में क्यों प्रॉब्लम आए? जनरल पॉपुलेशन में 8% लोगों को कठोरता का प्रॉब्लम है, 8% ऑफ द पॉपुलेशन। और 80 साल के उम्र तक, मतलब 80 साल के जो लोग होते हैं उनमें से 75% लोगों को सेक्स में टेंशन आना या इरेक्शन होने का प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसा प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, और उम्र के हिसाब से प्रॉब्लम बढ़ते 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 ऐसा हो जाता है कि 80 साल की उम्र तक 75 मतलब 75% लोगों को शिश्न में कठोरता आने का प्रॉब्लम होता है और वो सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। अब शिश्न में कठोरता नहीं आना, यह हमारे उसमें देखा जाता है कि नहीं नहीं ये बचपन में हस्तमैथुन किया, बचपन में मतलब नींद में बहुत वीर्य चले गया, स्वप्न दोष हो गया, उसके वजह से अभी इरेक्टाइल प्रॉब्लम आ गया, ऐसा लोग बोलते हैं। मगर वो कोई कारण होता नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा कि जवानी में मतलब 35 साल के नीचे यदि उसको प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्यों हुआ है, मानसिक कारण है क्या, वातावरण का प्रॉब्लम है, मन का प्रॉब्लम है, आपसी संबंध का प्रॉब्लम है, बचपन में कोई अत्याचार हुआ उसके वजह से हुआ है, बचपन में ऐसा कोई सेक्स के बारे में भय बैठा है उसके वजह से हुआ है, या फिर कोई शारीरिक कारण है और वो हो सकता है कि पीठ में पीछे कोई गठान है, नर्व्स डैमेज हो चुकी है, या कोई शारीरिक बीमारी है, या फिर जो ब्लड सप्लाई मतलब खून जहाँ से बहता है मतलब ब्लड वेसल जो है उसका अंदर से मतलब आवरण तैयार हो जाता है और उसका बहना, खून का बहना अंदर कम हो जाता है और उसके वजह से कठोरता आती नहीं है या कमज़ोर हो जाता है, तो वो देखना पड़ेगा और वो सब तपास के मालूम पड़ता है कि भाई इसका कारण क्या है और फिर उसके वजह से उसका इलाज हो सकता है। इलाज करना ज़रूरी है। होता क्या है कि लोग इसमें बाहर बोलते नहीं हैं, लोगों को आपस में चर्चा करते नहीं हैं, डॉक्टर के पास में जाते नहीं हैं। हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है कि भाई नहीं, हमारा जो मतलब कल्चर है, संस्कार है कि नहीं पौरुषत्व नहीं है, पुरुष नहीं, मतलब कुछ तभी कमी है, तो लोग ऐसी चर्चा करते नहीं है, सीक्रेसी काफ़ी है, सीक्रेट रखते हैं, इलाज करते नहीं है और फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। मेन इसका इलाज जो है वो साइकोथेरेपी है, काउंसिलिंग है और कुछ दवाइयाँ जैसी है कि सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल जैसी दवाइयाँ हैं कि जो दवाइयाँ देके शिश्न में कठोरता आ सकती है, और ये दोनों दवाई से फ़ायदा होता नहीं है तो फिर पेपेवरिन नाम की जो दवाई है इसका इंजेक्शन शिश्न में देते हैं जिसकी वजह से कठोरता आती है और संबंध अच्छे हो सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लोगों को शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपके सब ग्रुप के ऊपर शेयर करो ताकि जो लोग बोलते नहीं हैं बाहर वो अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करेंगे और अपना जीवन अच्छा कर लेंगे। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, हर एक को शक्तिशाली जीवन देने के लिए मदद करना और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।